Ashmita and I am in Radio City and I'm feeling very happy. I'm at RJ Sonam, RJ Bulbam, and I'm feeling very happy that I've came here. I got the opportunity. Thanks to Dhwani ma'am for such a nice opportunity. Thank you. Okay, I'm Ashmita and I am in Radio City and I'm feeling very happy. I'm at RJ Sonam, RJ Bulbam, and I'm feeling very happy that I've came here. I got the opportunity. Thanks to Dhwani ma'am for such a nice opportunity. Thank you. Hello, I'm Shambhavi and I'm here at Radio City with RJ Bulbul and RJ Sonam. And I thank Dhwani ma'am to give this opportunity here. And I always wanted to hear my voice once at the radio. And I'm really happy now that I have been listening my voice. So thank you all of you. Good. We are having a good show. Acha jabhi. हाँ ठीक है. इनको पास ले आओ थोड़ी. जब भी छुट्टियाँ होती है, सर्दी होती है, बारिश होती है, कोहरा होता है, DM हमेशा 8th क्लास तक के बच्चों की ही छुट्टी करता है. आप लोग 8th स्टैंडर्ड तक के ही बच्चों में से हो. कैसा लगता है जब सुबह पता लगता है कि आज स्कूल नहीं जाना था? बहुत ज्वलनशील पदार्थ हूँ इस टाइम पे मैं, मुझे बहुत जलन मच रही है. तो मैम प्लीज ऐसा मत करिए क्योंकि बच्चों के लास्ट पल है, अगले साल उनके बोर्ड्स आ जाएंगे, इतना सारा पढ़ाई का प्रेशर. नाइन्थ के बाद तो मैच्योर हो ही जाते, थोड़ी तो होना ही चाहिए. बेटा मुझे तो तुम लोग अभी भी मैच्योर. कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? कभी तो मैसेज पढ़ के एक तो खुशी मिलती है कि फाइनली छुट्टी हो गई, और दूसरी बात जब क्लास 8 तक जो ये लाइन होती है उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि मतलब ये हमारा आखिरी साल है. अगली बारी में अगर ये मैसेज कभी आए या न्यूज़पेपर में छपे तो बिल्कुल ऐसा हमारा यू नो मतलब जस्ट गॉन क्रेजी कि मतलब सिर्फ 8th क्लास तक की क्यों लिबर्टी होती है, हमें 9th को क्यों नहीं हो पाता है? डीएम को हम पे तरस नहीं आता, बच्चे तो एक समान होते हैं. तो और बच्चे तरस चाहिए बेटा, तुम्हारे नाम ज्यादा थोड़ी कर देंगे वो. तो मैम छुट्टी 9th को भी देनी चाहिए ना बेचारे, वो भी तो ठंड में काफी सही है. अभी मिल रही है तुमको छुट्टी? मैम 9th में, और मैम देखिए अगर 9th में छुट्टी नहीं मिलती है तो हमें ठंड लग जाती है, और ठंड लगेगी तो एग्जाम कैसे देंगे? और एग्जाम वैसे ही जल्दी आ जाते हैं, प्री बोर्ड आ जाते हैं. वी आर वेरी लॉजिकल. तो आई थिंक वी ऑल शुड गो टू धरना ऑफिस ना, वी शुड गो. यस यस यस. हम लोग क्लास 7 से ये प्लान कर रहे हैं कि कभी धरना पे बैठ जाए. क्लास 7 से? हां, कि 9th क्लास की छुट्टी करो. पता है तुम लोगों को सुन के मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि डीएम कहेगा बेटा ये जो एलकेजी तक की छुट्टी दो, तो छुट्टी ले लिया तुम लोगों ने स्टैंडर्ड तक. नहीं मैम, बट बहुत एक्साइटिंग होता है, सुबह उठो न्यूज़पेपर पढ़ा और सब तैयार बैठे यूनिफॉर्म पहने हुए कि स्कूल जाना है, न्यूज़पेपर पढ़ा. मैम जब बारिश के लिए डीएम ने छुट्टी कर दी तब बहुत गुस्सा आ रहा था. हां बारिश में तैयार बैठे हमने ना इतना टाइम वेस्ट किया बैठे हुए. मैम वो मैसेज देख के ऐसा लगता है कि उसे फ्रेम करा के हम उसकी रोज पूजा करें कि सीरियसली हमें सुबह. और मैम उसके बाद मम्मी ने सोने भी नहीं दिया, अरे अब उठ गए तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो. बहुत ज्यादा दर्द झेलते हैं हम लोग. सुबह उठते कितने नींद में होते हैं, अगर हम अब क्या होता है हम रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद वैसे भी नींद नहीं आती. अच्छा पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब उन्हें पता होता है कि तुम लोग पूरे जब सुबह मम्मी टिफिन बना देती है ना, तुम लोग टिफिन नहीं लेके जाते? स्कूल में खुद ब्रेकफास्ट मिलता है, सनमारा में तो लेके जाते हैं. फिर टिफिन तुम लोग क्या सुबह सुबह खा लेते हो? हम लोग खाते ही नहीं, खाते ही नहीं, नया बना खाते छूटते ही नहीं है वो. लेकिन मैम लेकिन मैम हम लोग क्लास में अपना चिप्स लेके जाते हैं और मैम पढ़ा रही है, हम पीछे से चुप चुप के खा रहे हैं. वो तो हम भी करते हैं, वो तो क्लास में बहुत ही करते हैं. से देखिए शाबुरी को सिटी विद आरजे बुलबुल एंड आरजे सोनम. And I thank Dhwani ma'am to give this opportunity here. And I always wanted to hear my voice once at the radio. And I'm really happy now that I have been listening my voice. So thank you all of you. You're having a good show.